मोहब्बत की दुकान खोलने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है और कहीं ना कहीं इसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब महज कुछ ही समय बचा है, इससे पहले राहुल गांधी यात्रा 14 जनवरी से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म करने वाले हैं। मणिपुर को इसलिए चुना गया है क्योंकि मणिपुर का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माया था। विपक्षी सांसदों ने सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया था। 14 राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 6200 किलोमीटर बस से और पैदल नापेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि ये यात्रा आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर न्याय के लिए की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो है वो लोकसभा चुनाव पर कितना असर डाल सकती है। देखिए, अगर 2019 लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो इससे पहले राहुल गांधी ने न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, हालांकि कांग्रेस बुरी तरह से हारी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय का ऐलान भी किया था, जिसके अंतर्गत गरीब परिवार को कम से कम 72,000 रुपए देने का भी वादा किया गया था। अब कितना वादा पूरा किया जाएगा इसका इंतजार है। हालांकि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका दे दिया। अब 2024 में जिस तरह से बीजेपी 400 प्लस का दावा कर रही है, तो राहुल गांधी की ये जो न्याय यात्रा है वो कितना असर डालेगी इसका इंतजार है। चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी समीक्षा में पाया कि लोगों को न्याय योजना के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था और कांग्रेस ने इसे ही हार का कारण माना। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा का नाम जिस तरह न्याय यात्रा रखा गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर न्यूनतम आय योजना के अपने पुराने वादे को नए सिरे से लॉन्च करके हम कहीं ना कहीं एक अलग छाप छोड़ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी न्यूनतम आय गारंटी के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, कुछ पूंजीपतियों के बढ़ते साम्राज्य जैसे मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को घेरने का काम करने वाले हैं। साथ ही इस यात्रा की शुरुआत करीब साल भर से अशांत मणिपुर हो रही है, तो राहुल बीजेपी सरकार पर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप भी लगा सकते हैं। राहुल गांधी सितंबर 2022 से पहले जनवरी 2023 के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, जिसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया था। इसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार भी बनाई है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। उधर छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हारी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की दूसरी यात्रा कितनी हिट होती है और क्या इस बार न्याय कार्ड चल पाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। राहुल गांधी की यात्रा इस बार 14 राज्यों को कवर करते हुए 6200 किलोमीटर की होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि इस बार यात्रा का माध्यम बस और पैदल होगा। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को कवर करेगी, यानी कि पूर्वोत्तर और दूसरी तरफ हिंदी भाषी प्रदेश जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है विधानसभा चुनाव में। अब लोकसभा चुनाव में ये यात्रा कितनी हिट होगी ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की जो छवि भारत जोड़ो यात्रा से एक सीरियस नेता के रूप में उभर कर सामने आई थी, एक बार फिर से उसी के तहत राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा हिट होगी या नहीं ये तो जनता को तय करना है।